नमस्कार दोस्तों, रामन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। दोस्तों, आज का हमारे जो विषय है वो है शनि ग्रह राशि परिवर्तन 26 जनवरी 2017 को वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि यानी सेजिटेरियस में 3:05 पे शनि ग्रह एंटर करेंगे। लास्ट 2.5 साल में शनि महाराज वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि शनि राशि परिवर्तन जो है ये 12 राशियों के ऊपर अपना क्या प्रभाव डालेगा और किनके लिए शनिदेव गिफ्ट्स लेके आए हैं और किनके लिए कुछ कम गिफ्ट्स लेके आए हैं, ज्यादा और कम। अब हम बात करेंगे मेष राशि और मेष लगन की। चंद्र राशि मेष हो, मेष लगन हो, उनके लिए शनि महाराज क्या लेके आए हैं। देखिए, शनि महाराज जो हैं धनु राशि में एंटर करेंगे, उनके नवम बॉक के अंदर शनि महाराज एंटर करेंगे। मैंने आपको तारीख बता दिया 26 जनवरी 2017 3:05 पे बहुत बढ़िया मेष लगन और मेष राशि के लिए ये साल रहेगा। 2.5 साल अगले बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब कि क्या लेके आएंगे, भाग्यस्थान के अंदर शनि महाराज जो हैं भाग्य को जगा देंगे, बहुत अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि लास्ट 2.5 साल से बहुत तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी स्कॉर्पियंस की। बात कर रहे हैं मेष राशि एरिस। अब जो शनि महाराज हैं उनकी दृष्टियां पड़ेंगी लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। प्रॉफिट चारों तरफ से प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आपने अगर कोई किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की थी वो मैच्योर होने का समय आ चुका है। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे वो तो निकलने पक्का आरंभ हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं शनि महाराज की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके लगन। अगर हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो हेल्थ इश्यू खत्म होने शुरू हो जाएंगे। किसी प्रकार के भी कोई हेल्थ इश्यू हो आपको उसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको फील करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की जो अगली दृष्टियां हैं वो आपके पराक्रम स्थान के ऊपर पड़ेंगी। पराक्रम कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, विल पावर हौसला आपका बढ़ जाएगा। अगर आप किसी फैसले को लेना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था तो यही समय है दोस्तों। इस समय के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि आपके द्वारा कहे गए हर एक चीज, हर एक फैसला बहुत ही अच्छा साबित रहेगा और कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा आपके अंदर एक एनर्जी जिसको बोलते हैं आ जाएगी। देखिए, बोलते हैं कॉन्फिडेंस अगर बंदे के अंदर आ जाए तो बंदा कोई भी फैसला लेने के अंदर हिचकिचाता नहीं है। कॉन्फिडेंस, हौसला एक ऐसी चीज है, आप किसी भी तरह का किसी भी टास्क में फेंक दिया जाए तो वहां से निकलने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि 2.5 साल के लिए शनि महाराज आपकी कुंडली के अंदर आए हैं, तो इसके अलावा और क्या फायदे आपको मिलेंगे। देखिए, इसके अलावा जो है धनु राशि, जैसे मैंने आपको बताया है धन बढ़ेगा, बरकत बढ़ेगी, पैसा आएगा। ये मल्टीपर्पज आपके लिए चारों तरफ से चारों रास्ते खोल देगा शनि। बहुत अच्छे साबित होंगे शनि महाराज। कोशिश करिएगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दान धर्म और कर्म के साथ जुड़ जाएं, वो जरूर करें। जैसे कि आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शरण में चले जाएं। देखिए क्या होता है, मोस्टली कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें कई बार हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं, कर्मों की वजह से उसमें उस रिजल्ट के अंदर कुछ कमी आ जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए मैं बोलता हूं कि आप अपने आप को किसी मिशन के साथ, किसी ईश्वर के साथ, किसी शक्ति के साथ जोड़ लीजिए ताकि आपको रिजल्ट 100% आना शुरू हो जाए दोस्तों। तो मेरी दुआ है, मैं दुआ करता हूं और मेरा आशीर्वाद है और मेरी बेस्ट विशेज ऑलवेज मेष लगन और मेष राशि वालों के साथ है। ये 2.5 साल जो अगले हैं बहुत अच्छे रहें और हर चीज हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए। अगर आप मेरे से पर्सनली मिलना चाह रहे हैं या फोन पे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, मैं नंबर इज 9876726492। यू कैन कॉल मी और मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।